that little mouse, cause I'm an albatross. कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे। आज मेरे बैकग्राउंड में आपको देख के बड़ा अजीब सा लग रहा होगा। इसका देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल रीज़न ये है कि अभी मेरे घर के पास पास में जो एरिया हैं वो अभी कंटेनमेंट जोन्स में आ गए हैं, वहाँ पे पॉजिटिव्स मिले हैं। हालांकि मेरे घर पे और मेरे घर के आसपास सब सेफ है, खुला हुआ है, बट फिर भी मेरे हमारे जो मेन रोड के ऑपोजिट में जो गली है उसमें ये पॉजिटिव्स मिले हैं। तो आज मैं थोड़ा घर से बाहर निकलने में दिक्कत महसूस कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, डर सभी को लगता है। क्योंकि अगर आप लोग के लिए इस तरह इन्फो लानी है तो ऑब्वियसली सेफ तो रहना ही पड़ेगा। रही बात, खैर तो अब ये बात है कि आप समझ ही चुके हैं कि क्या कंडीशन हो सकती है। मेरे बैकग्राउंड में जो आप दीवार देख रहे हैं, यहाँ पहले इलेक्ट्रिक लाइन्स ओएचई वायर्स होती थी, लेकिन आज इसलिए नहीं। आज ये हमारे, मैं फ़िलहाल अपने घर के पास में फैक्ट्री है हमारी, मैं उसमें अपने फ्री थोड़ा होके बैठा हूँ, मॉर्निंग टाइम है। तो खैर कोई बात नहीं, अब जैसे ही थोड़ा ईज होगा कल या परसों में मैं फिर से अब एक बार निकलते हैं। बट ऑब्वियसली आपको इन्फो देनी है तो मुझे अपनी सेफ्टी पहले ध्यान में रखनी होगी और बाकी आप लोग की दुआएं चाहिए। तो होता कुछ खास नहीं है। अदम्य सिंह जी, आई होप आप मेरी इन्फो से बिल्कुल खुश होंगे। अतुल ठाकुर जी, आप भी आई होप नाराज़ मत होइएगा। अभी कुछ ही दिनों में डबलिंग का एक वीडियो ज़रूर आ जाएगा। डबलिंग का एक्चुअली मैंने यहाँ से निकलने से पहले मैंने डबलिंग का वीडियो शूट किया कर चुका हूँ मैं, उसका एक पार्ट आपको कल या परसों में ही मिल जाएगा जरूर, क्योंकि एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो आता है और मैं इस बार लेट हो चुका हूँ एक दिन। चलिए कोई बात नहीं, मैं इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो आज देखिए कोरोना की सबसे पहले न्यूज़ ले लेते हैं, लाइव न्यूज़ है, बिल्कुल फ्रेश न्यूज़ है कि कोरोना के टोटल इंडिया में टोटल केस 3,44,068 हो चुके हैं। ये ठीक नहीं है बिल्कुल भी, इतना काफ़ी फर्क आ जाता है। एक्टिव केसेस जो हैं 1,53,775 हो चुके हैं, 1,53,775 इज़ आर एक्टिव केसेस नाउ। एंड रिकवर्ड होपफुली एंड लकीली रिकवर्ड हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। ये अब देखिए, यहाँ पे मैं कहना तो नहीं चाहता कि ये ठीक है या नहीं है, बट डाउटफुल मुझे थोड़ा गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स पे डाउटफुल होता है, माफ़ी मांगता हूँ उसके लिए, लेकिन थोड़ा वो डाउट होता है। क्योंकि एक डाउट यहाँ पे आता है कि MCD जो दिल्ली में वहाँ की नगर निगम है, वो उसका कुछ और है, हॉस्पिटल्स का कुछ और रिकॉर्ड्स है, गवर्नमेंट का कुछ और रिकॉर्ड्स है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा डाउटफुल हो जाता हूँ कि कैसे। खैर ICMR ने गाइडलाइंस दी हैं, उसके हिसाब से अब दिल्ली ने बोला है कि गाइडलाइंस में अब थोड़ा करेक्शन किया जाए, क्योंकि जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। कि क्वारंटीन आप करके जाते हैं, डॉक्टर्स ने बोला है कि आप अब ठीक हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद ही 2 या 3 दिन बाद जाते ही उसकी डेथ हो जाती है और वो पॉजिटिव ही मिलता है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। खैर आई होप आप सब खुश रहें, ठीक रहें, अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल टाइम स्पेंड कीजिए, इस बारे में चर्चा कीजिए कि खुद को सेफ कैसे रखा जाए। बाकी मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं, खुश रहिए। तो अभिषेक जी जो हैं, उनसे आज कुछ दिनों से उन्होंने मेरे को मैसेज किया था, खैर अच्छी बात लगी खैर कि बंदे मेरे को कांटेक्ट करते हैं। हमारे जो सब्सक्राइबर नहीं कहूँगा, सब्सक्राइबर एक्चुअली है मेरी फैमिली है, मैं सब्सक्राइबर नहीं बोलता हूँ, आपने कई जगह नोट किया होगा, यू आर माई फैमिली। तो इसमें उन्होंने सहारनपुर के बारे में उन्होंने स्पेशल न्यूज़ मुझे देने के लिए बोला था कि देखिए अभिषेक जी, सहारनपुर में होता क्या है कि आपका
सहारनपुर के बारे में फिलहाल कोई खास न्यूज़ है नहीं, क्योंकि एक तो कोरोना की वजह से नई ट्रेन्स नहीं चल पा रही हैं, नए प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं शुरू हो पा रहा है, कोई प्रोजेक्ट अनाउंस भी नहीं हो पा रहे हैं, तो इसलिए कोई खास न्यूज़ नहीं है। बाकी मैं आपको, शायद आपको पता हो, मैं आपको न्यूज़ ये बता देता हूँ कि सहारनपुर में अभी खान आलमपुरा यार्ड जो है, KJGY जिसका कोड है, उसमें एक EMU का कार शेड है, इसमें आपका बन रहा है, वो जल्दी ही तैयार हो जाएगा, काम उस पर चल रहा है। मैंने इन्फो ली थी वहाँ के जो कंस्ट्रक्शन के सुपरवाइज़र हैं वहाँ पे, तो उनसे इनको ली थी, काम चल रहा है और उसकी कैपेसिटी अराउंड 50 MEMUs की होगी, काफ़ी बड़ा मेमू शेड है वो। तो ये रही एक बात। दूसरा है एलस्टॉम का जो वहाँ पे शेड बन रहा है, एलस्टॉम का शेड तैयार हो चुका है और उसमें आपका जो 2 यूनिट मिलके एक लोगो तैयार होता है वो, तो इसमें 60 से उसकी सीरीज स्टार्ट होती है, तो वो उसका वहाँ पे शेड है। आई थिंक उसमें 400 to 600 उसमें लोकल्स की कैपेसिटी का शेड बनाया गया है, वो अच्छी बात है। और इसमें अगर आप चाहें तो कमेंट पे बता सकते हैं, एलस्टॉम के जो लोकल्स है WAG 12, उसके अलग से वीडियो बन जाएगी। आप लोग कहते हैं कि कुछ लोग के मन में डाउट होगा कि ये पहले WAG 12 था, उसके बाद WAG 12B कैसे बना। देखिए, होता ये है कि WAG 12 ये जैसे आया था, एलस्टॉम ने इसका बॉडी पार्ट्स यहाँ पे ला के इसको जैसे असेंबल किया, असेंबल करने के बाद वहाँ पे स्टैंडर्ड गेज चलता है, स्टैंडर्ड गेज में इसके जो बोगीज थी वो यहाँ पे जैसे इन्होंने ऑपरेशनल में की, तो WDG 5 वाली जो प्रॉब्लम थी कि इसमें जो बोगी डिरेल हो जाती है, नहीं चल पाती है, वो इसमें प्रॉब्लम हो गई थी। होता ये था, WDG 5 में भी ये प्रॉब्लम है कि जैसे जैसे उसकी हाइट इंक्रीज है, लेंथ उसकी लंबी है, उस हिसाब से उसमें बोगी में क्रैक आ जाता है, डिरेल हो जाता है, कई बार उसको हर बार रिपेयर पे जाना पड़ता ही है। 5 DG 5s हैं हमारे यहाँ पे, तो उनमें पाँचों के पाँच अब साबरमती के पास है, पहले एक दो गुत्ती के पास भी गए थे लेकिन अब वापस साबरमती के पास आ गए हैं। हर एक या दो रन के बाद साबरमती की बोगी में क्रैक आता ही आता है उसकी लेंथ की वजह से। तो ये प्रॉब्लम रही क्रैंक की, क्रैक जो होता है वो ऑब्वियसली अच्छी बात नहीं है, लेकिन एलस्टॉम के साथ दिक्कत ये थी कि जैसे वो स्टैंडर्ड गेज पे वहाँ चलता था, लेकिन यहाँ पे आते ही उसको ब्रॉड गेज की व्हील सेट उसमें लगाए, उसके बाद वो डिरेल होता जाता था, यहाँ पे प्रॉब्लम थी। उसके बाद इन्होंने जो एलस्टॉम शेड है उसके जो स्टाफ है रिसर्च, उसमें करेक्शन करके उसमें जो बोगीज लगाई हैं उसकी वजह से उसमें एक मेजर करेक्शन हुआ है उसकी बोगीज़ में और उसके जो व्हील सेट्स हैं उसमें, और मोटर्स में भी उन्होंने काफ़ी कुछ किया है, लेकिन इस वजह से वो WAG 12B उन्होंने सीरीज़ इसकी दे दी है, ये काफ़ी अपग्रेड इन्होंने किया है, दैट्स वाई बी सीरीज इज गिवन टू, ये सब क्लासेस में दी है इन्होंने WAG 12B, इसलिए इसको WAG 12B कहा जाता है। ये रे एलस्टॉम शेड की बात। दूसरा, आपके सहारनपुर को फिरोजपुर ऋषिकेश एक नई गाड़ी मिली है, ये डेली चलेगी लॉकडाउन के बाद, जैसे ही अभी रेल ट्रैफिक नॉर्मल होगा उसके बाद फिरोजपुर से चल के ऋषिकेश जाती है सेम डाउन, तो ये आपको नई गाड़ी मिली है फिलहाल में। और DFC की न्यूज़ बता देते हैं, DFC आपको जानता ही, मतलब आप जानते ही होंगे DFC के बारे में। ये DFC जो है ये लुधियाना से चल के और आपका दानकुनी तक जाता है, और ये सहारनपुर को ही बाईपास कर रहा है, अम्बाला से आते हुए सरसावा पिलखनी सहारनपुर पूरा सिटी बाईपास करेगा, बाईपास करके फिर ये टपरी से आगे जाके मिलता है, ऑलमोस्ट टपरी पे ही मिलता है, टपरी पे जैसे ही मिलेगा उसके बाद नागल तक, ये नागल के लगभग में लाइन के पैरेलल चलेगा, उसके बाद देवबंद को बाईपास करेगा, देवबंद से डायरेक्टली ये मुजफ्फरनगर को भी बाईपास करेगा, लाइन टच नहीं करेगा, और फिर ये नरजोड़ोदा से थोड़ा आगे जाके फिर से लाइन के पैरेलल स्टार्ट हो जाएगा। ये DFC की न्यूज़। तो आपके सहारनपुर में ये न्यूज़ है कि DFC का काम ऑलमोस्ट वहाँ पे तैयार हो चुका है, बैलेंस शीट जो है वहाँ पे रखी जा रही है, और हो सकता है कुछ ही दिन में वहाँ पे मशीन आ जाए, टाटा की मशीन है वो, एक दिन में करीब कुछ किलोमीटर ट्रैक एक ही दिन में बिछा देती है, बिल्कुल रेडी कर देती है। ये आपके लिए न्यूज़ है, DFC का ध्यान रखिए आप, और DFC पे मैं अलग ही आपको एक डिटेल्ड इसमें वीडियो बना के दूंगा जो हमारे खुर्जा से लेके और सहारनपुर और अम्बाला तक के सेक्शन में क्या क्या हो रहा है DFC पे।
इसके लिए मुझे थोड़ा माफ़ कीजिए टाइम चाहिए होगा। खैर ये रहा DFC की बिल्स, ये तो ये सहारनपुर की न्यूज़ है फिलहाल मेरे पास में, इतना ही है और इससे ज़्यादा कुछ हो भी नहीं रहा है क्योंकि जो भी कुछ न्यूज़ होगी आपको एकदम से मिल जाएगी। और ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे थ्रू ही मिलेगी सबसे पहले, मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो अब जैसे कि मैंने पहले बताया था कि GE के जो लोकोज हैं उस पे लोगों को अब भी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि भैया आप उनको एल को कैसे कह रहे हो, ये तो EMD दिखता है लेकिन आवाज़ एल को की तरह इसमें कुछ खास आती नहीं है। देखो पहले जो एल को आते थे उसमें लोकोज में आप स्ट्रोक को जानते ही होंगे, लोकोज में स्ट्रोक का और सिलेंडर्स का बहुत बड़ा फ़र्क आ जाता है और एग्जॉस्ट का बहुत बड़ा फ़र्क आ जाता है। यहाँ से इसमें डिफरेंस बनता चला गया, जो हमारे ओल्ड एल्को थे WDM2, WDP1 इज़ अ डायरेक्टेड क्लास। अब आप सोचते होंगे WDM1 और WDP1 में सेम है, बिल्कुल नहीं है। WDM1 और WDP1 में बहुत बड़ा अंतर है। WDP1 इज़ अ डायरेक्टेड क्लास, WDM2 का डायरेक्टेड वर्जन है और वो सिर्फ पैसेंजर पे काम कर पाया है। WDG1 नहीं बना, आपने नोट किया होगा, WDG1 नहीं बना, WDP1 बना है, वो WDM2 का डायरेक्टेड है और WDM2A2B ये इसके हायर वर्जन है, अपग्रेडेड वर्जन है। उसके बाद WDM3D तक की इसमें WDG3D भी है, तो WDM3G भी है, वो सिर्फ दो ही हैं इटारसी में। तो ये एल्को हैं, इसमें स्ट्रोक और एग्जॉस्ट का बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन GE के जो एल्कोज हैं, मैं ज़रूर इसको एल्कोज बोलूँगा और ये हैं भी एल्कोज ही, पर्टिकुलर एल्कोज नहीं है ये। GE में आप ES44ACMI आप इसको सर्च कीजिए तो इसमें आपको ये GE के लोकोज मिल जाएंगे। ये GE का ही लोको है, ये कैनेडियन पैसिफिक के पास में है और CSX के पास में भी है, यहाँ पे ये अमेरिकन की कंपनीज हैं। इसमें आप कभी इनके साउंड को ज़रा देखिएगा, मैं इसके बारे में भी वीडियो इसमें ऐड कर देता हूँ, आप इसके साउंड को ज़रा एक बार देख लीजिए। कॉपीराइट स्ट्राइक, देखिए कॉपीराइट उसी बंदे को है जिसका ये वीडियो है, मैं इसमें फिर भी लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ। साइड जा रहा है इस बार का।
क्या चाह रहे हैं? बना बना तो रहा WDG 4G जो है ये 4500 हॉर्स पावर का है। इसके दो शेड हैं, एक शेड है रोज़ा में और एक शेड है गांधीधाम में गुजरात। ये दो शेड इसके बनाए गए हैं। बनते इसके प्रोडक्शन लिमिट है, प्रोडक्शन जो इसकी यूनिट है वो है मढ़ौरा में बिहार। ये सारण डिस्ट्रिक्ट आता है एक, उसमें ये मढ़ौरा पड़ता है, वहाँ पे इसकी प्रोडक्शन यूनिट है। MPS इसका 65 kmph ओनली दिया गया है। ये चीफ इंजीनियर डिसाइड करता है कि इसकी MPS क्या देनी चाहिए। और ये इसका पहला जो लोको आया था 49001 और इसके 10 लोको स्टार्टिंग में अराइव हुए थे 49001 से लेके और 10 तक। ये नवंबर 2017 में अराइव हुए थे। 4500 हॉर्स पावर का है और इसको मेनली डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए इसको यहाँ पर मंगाया है, क्योंकि इसका जो पब्लिसिटी ये एज ए फ्रेटर कही गई है, फ्रेट लोको इसको पब्लिसिटी दी गई है। ये बहुत कुछ इसमें कैपेसिटीज ज़रूर हैं लेकिन इसको एज ए फ्रेटर ही पब्लिश किया गया है। और कोको बोगीज हैं इसमें। और ये वैसे तो देखिए 110 kmph के इसमें डिज़ाइन किया गया है। एक्सल लोड इसका 22 टन है और 12 सिलेंडर है। जीवो जनरल इलेक्ट्रिक्स एवोल्यूशन सीरीज जीवो 12 से आता है। 12 सिलेंडर इसमें इंजन है और 6 इसके ट्रैक्शन मोटर्स हैं। 6 ट्रैक्शन मोटर DG6G में भी हैं। और देखिए अब यहाँ पे इसमें आपको ये मिलेगा कि इसको 65 kmph पे जाने के लिए आपको जो आपका ट्रैक है मिनिमम 52 kg रेल का होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको रेल्स के बारे में मैं अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। 52 kg और 60 kg 90R ये इसके 3 कैटेगरीज हैं। इससे नीचे भी आते हैं लेकिन फिर वो मीटर गेज और नैरो गेज में चले जाते हैं। तो 90R से लेके 90R अब देहरादून के यार्ड में भी नहीं बची है, वहाँ पे बची हुई थी। 90R 52 kg 60 kg ये इसमें है। तो 90R पे सूटेबल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। 52 kg इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। उस पर भी RDSO के जो चीफ इंजीनियर है उन्होंने डिसाइड किया है कि 65 kmph से ऊपर ही जाएगा नहीं।
अब इसके लिए एक चीज़ इसमें और देखनी होगी कि इससे कभी भी अभी मतलब शुरुआत के कुछ सालों में इससे इंस्पेक्शन नहीं होंगे, जैसे नई लाइन का इंस्पेक्शन होता है इससे वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसको चलाने से पहले वहाँ के उस सेक्शन पे ट्रैक, ब्रिज, कर्व, सिग्नलिंग्स, इंटरलॉकिंग्स ये सब देखने होते हैं, तभी डिसाइड होता है कि ये उस सेक्शन पे जाने के लिए फिट है या नहीं है। क्योंकि अभी इसमें भी इनको मेजर इसमें चेंजेस करने होंगे ताकि ये सभी सेक्शंस पे जा सके। वैसे तो सेक्शन अपग्रेड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सभी के लिए इसमें चेंजेस कर रहे हैं। और दूसरा, स्पीड सर्टिफिकेट जो है ये 65 km/h का है, और ये सिर्फ 5 साल के लिए वैलिड है जी, सिर्फ 5 साल के लिए। ये तो रहा DG 4G, अब आते हैं DG 6G पे। ये 6000 हॉर्स पावर का है, और इसके 1000 लोकोस जो GE देगा उसमें 300 लोकोस WD6G के होंगे और बाकी 700 लोकोस WD4G के होंगे, ये इसमें है। और उसके बाद इसमें WD4G में 12 सिलेंडर 4 स्ट्रोक, अब WD6G में है 16 सिलेंडर 4 स्ट्रोक। आप WD6G में देखना, WD4G से अच्छी आवाज़ हल्को की आप सुन सकते हैं, और भी अच्छी आवाज़ आएगी, कोको बोगीज हैं। लेकिन इसमें अब यहाँ पे आपका मैं एक और चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, WD6G की एक स्पीड सर्टिफिकेट, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। मतलब इसमें दो चीज़ें दी हुई हैं, पार्ट्स में नहीं, दो चीज़ें ये दी हुई हैं कि जहाँ पे 52 kg रेल होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल सहारनपुर से लेके और वाया टपरी, शामली, दिल्ली जाते हैं, तो वहाँ पे 52 kg अब कहीं पे है और कहीं 60 kg रेल है। तो 52 kg पे WD6G को 60 km/h का सर्टिफिकेट दिया है, और इसके लिए 65 km/h ही ये इसकी हाईएस्ट लिमिट रखी गई है। फिट तो 110 के लिए है, लेकिन 65 km/h इसकी 60 kg रेल पे दी हुई है। तो यहाँ पे इसमें थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर है। अब इसको स्पीड सर्टिफिकेट को कुछ आई थिंक 1 साल या 1.5 साल इसमें लगेगा, और ये इसको फिट कर देंगे, इसके ट्रायल्स ज़रूर होंगे। 52 kg रेल बहुत कम जगह बची है, सहारनपुर से और मुरादाबाद के बीच में कहीं देखी जा सकती है। और आपको एक बात बता दूं कि हरिद्वार से लेके और लक्सर के बीच में 52 रेल अभी है, उसकी थिकनेस थोड़ी कम होती है। मैं 52 kg और 60 kg पे अलग से वीडियो बना दूंगा अभी। और हरिद्वार से लेके देहरादून के बीच में भी 52 kg रेल है। सहारनपुर इसमें लक्सर में, लक्सर से मुरादाबाद पूरा 60 kg रेल हो चुका है, सहारनपुर से अम्बाला पूरा 60 kg रेल हो चुका है। तो यहाँ पे 65 km/h पे आप जा सकते हैं, WD6G की खास बात हो चुकी है। तो ये इसमें मैंने आपको एक वीडियो दिखाई है जिसमें WD4G की एक एक्सेलेशन साउंड है, इसमें आप ज़रूर देख सकते हैं। तो ये आप मेनली देख सकते हैं, WD6G भी अभी तक मैंने कैप्चर नहीं कर पाया हूँ, उसका भी आप वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। इन दोनों के साउंड में काफ़ी बड़ा फ़र्क आएगा, कुछ फ़ोटोज़ भी हैं मेरे पास, वो मैं डाल देता हूँ। बाकी अगली इन्फो जो है, मैं अभी घर पे तो ज़्यादा इन्फो दे नहीं सकता, ट्रैक पे जाके मेरे पता नहीं, मेरी हैबिचुअल है, इन्फो निकलती है अंदर से ही। बाकी जो भी आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ भी ऐसे डाउट्स होंगे, उनको आप कमेंट्स में लिख दीजिए, ज़रूर आपके आंसर ज़रूर मिलेंगे विद इन 1 आवर, 1 आवर टू 3 आवर्स आपके अब कमेंट्स पे आंसर आ जाएंगे। और बाकी अब कोरोना का स्पेशल आप ध्यान रखिए, रेल फैनिंग बाद में है, पहले अपनी जान है, तभी हम इन्फो का इसका कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी जान है तो जहान है, बस पता ही है आपको, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए, मैं भी आज घर पे ही हूँ।